दो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। एक घर से नकदी व जेवरात उड़ाए, वहीं दूसरी जगह मंदिर से कीमती आभूषणों को भी पार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया। मथुरा में दो चोरी की वारदातों को चोरों ने अंजाम दिया। दूसरी घटना राया की गोपालबाग स्थित मां बागेश्वरी देवी मंदिर से चार ताले चटकाकर बहुकीमती पोशाक व आभूषण नकदी पार कर दी। घटना की जानकारी जब मंदिर के पुजारी को हुई तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कस्बा प्रभारी ने मौके से दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया और जाँच पड़ताल में जुट गयी। जब घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को देनी चाही तो कस्बा प्रभारी अजय अवाना का फोन बंद मिला। फिर पीड़ित ने थाना प्रभारी उत्तम चंद पटेल को फोन से घटना की जानकारी दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की कार्यवाही में जुट गई। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है और क्या घटना हुई है? मेरा नाम दिनेश पुजारी है जी। गोपालबाग में रहता हूँ, मुझे 10 साल हो गया जी। और रात को 11 बजे के करीब मुझे मंदिर में मैं आया तो ताले टूटे मिले और देवी मैया के आर्टिफिशियल कुंडल और कुछ जेवरात थे वो नहीं थे। और हमारी कोठरी के अंदर पोशाक रखी हुई थी बक्सा में, उनकी भी तोड़ बक्सा को तोड़ करके पोशाकों को इतर उतर कर गए। और मेरे कमरे में 200-250 रुपये की खेरी थी और एक सिलेंडर था। सिलेंडर बाहर मिला, खेरी नहीं मिली, कपड़े लत्ते बाहर मिले। और हनुमान जी का घंटा नहीं मिला, हनुमान जी का दरवाजे के ताला टूटा मिला और एक घंटा